छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश का शहीद जवान राजेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके निवास रावली पहुंचा है, जहां पूरे रास्ते में लोगों ने उनके शहादत को नमन किया। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान झारखंड के आरपीएफ के DIG बलराम वेहरा, गरियाबान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर अश्वनी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि बीते चार दिन पहले झारखंड में नियुक्त जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और पूरे सम्मान के साथ में आज राजेश कुमार ध्रुव जी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा और पूरे सम्मान के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जिलेवासी जो है पहुंच करके उनको सम्मान दिया, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। कोबरा के 209 बटालियन में पदस्थ था, उनकी कंपनी, उनकी जो टुकड़ी थी वो नक्सल ऑपरेशंस करने के लिए वो जंगल में गई हुई थी। वे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे नक्सलियों के साथ में एनकाउंटर हुआ, IED ब्लास्ट हुआ। हमारा लड़का जो है जो कांस्टेबल राजेश कुमार, हमारा 209 बटालियन के जवान थे और उन्होंने झारखंड में शहीद हुए हैं, उनके परिवार को राहत राशि की तरफ से अभी फिलहाल जो है हमने इनका अंतिम क्रिया के लिए संस्कार के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरा अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी कुछ दिन में मेरा बच्चा भी आ जाएगा, तो उसका लालन पालन के लिए और उसका सही ढंग से उसका पालन पोषण हो सके और मेरे घर परिवार का भी उद्धार हो सके। मेरे घर में मेरे सास ससुर और हम नौकरी डोकरा रहन अबदार हो जाथन, हमारे लिए पालन पोषण के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और एक बहू घर होती है उसके बाल बच्चा को सब को संभालना है, तो इसी